बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एप्रोप्रिएशन, री एप्रोप्रिएशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट वन हमने लास्ट सेशन जो लेक्चर नंबर हमारा ऑलमोस्ट 60 था उसमें हमने किया था, तो आज इसको हम आगे लेके चलेंगे। ये ओवरऑल जो आज का हम पढ़ेंगे ये इस्टीमेट के रिलेटेड है कि आप जो इस्टीमेट भेजेंगे, एक मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, तो उसने अपने इस्टीमेट भेजने हैं अपने बजट के लिए, तो उसने कहाँ से मीट करने हैं, वो ग्रांट लेगी, अप्रूवल लेगी, वो कैसे कंटेक्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, उसको समराइज़ कैसे करेगी, तो ये सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है आज के लेक्चर में हम डेवलप करेंगे। वेयर रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द ग्रांट ईयर एक्सीड द सैंक्शन ग्रांट, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड वेदर द इंक्रीज हैज़ बीन अथोराइज्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड इफ सो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट ऑर्डर्स शुड बी अपेंडेड टू द एस्टिमेट। तो यहाँ पे बात ये सिंपल की गई है कि आपके जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिसको हम साथ में लेके भी चलेंगे, कि फ़र्ज़ किया आप को ये कहा जाता है कि आपने एफपीएससी का एग्ज़ाम देने जाना है आउट ऑफ सिटी, और आप एस्टिमेट लगाते हैं कि मेरे जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो लेट्स सपोज 2000 रेंट वगैरह जो किराया आपको पे करना पड़ता है जाके आप स्टे करते हैं कहीं पे, तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर बनते हैं 2000। तो जब एक टाइम आता है क्लोज, ये तो पहले आपका एस्टिमेट था, जब आप को ये कहा जाए कि आप आज या कल आप मूव कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ याद आ जाती है, या फिर आप जब सफ़र शुरू करते हैं या आप ये जो काम करने लगते हैं तो आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। जो आपने पहले अंदाज़ा लगाया था कि 2000 में ये आपका काम होगा, अब आप कहते हैं कि ये आपके जो एक स्पेसिफिक इवेंट है इसको आपको मीट करने के लिए 2500 रुपीज़ लगेंगे। तो ये जो आपका बाद में जो रिवाइज़ आपने किया, पहले तो आपका अंदाज़ा था जिसको हमने एस्टिमेट कहा, अब जब आपने दोबारा उसको दोहराया, रिवाइज़ किया, तो इसको जो आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो सेम डिपार्टमेंट की भी यही बात की गई, पहले वो एस्टिमेट लगाते हैं, उसके बाद अगर वो देखते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर उनके बढ़ रहे हैं, रिवाइज एस्टिमेट बढ़ रहे हैं सेंक्शन मिल जाने के बाद, तो उनको वो रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रॉपर कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवा के साथ उसकी कापी लगानी होती है जब वो अपना केस फॉरवर्ड करते हैं। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू इंडिकेट हाउ द इंक्रीज इज़ प्रपोज टू बी मेट, और फिर आपने ये भी बताना है कि आपके जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में आपकी अमाउंट बढ़ गई है ये आप मीट कहाँ से करेंगे, मतलब मीट कहाँ से। री अप्रोप्रिएशन का मेथड हो सकता है जो कि होती आपकी कुछ सेविंग हुई होती एक हेड से, उसमें से आप एलोकेट करवा लेते हैं दूसरे में, तो ये होती है री अप्रोप्रिएशन विद इन द ग्रांट जो आपको पहले दी गई थी ग्रांट, और थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी आगे तीन किस्में होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, कि आपने जो पहले आपको अमाउंट सेंक्शन की गई है, जो ग्रांट दी गई है, उसी में से आप मीट करेंगे एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र करके, जिसमें ज़्यादा थी उसमें से उठा के कम, जहाँ पे कम पड़ गई उसमें रखवा के उसको यूज़ करेंगे, या आपके जो ऑलरेडी आपको ग्रांटेड फंड्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो कमिटेड हैं, आपने वो ज़्यादा नहीं है उसमें सरप्लस नहीं, कहीं सेविंग नहीं, तो आप फाइनेंस से कुछ और एक्स्ट्रा मांगना चाहते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू होगा। तो ये आपने स्पेसिफाई करना होगा कि आप रिवाइज जो इंक्रीज्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट है तो ये कहाँ से मीट करेंगे। व्हेन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर लेस देन द ऑथराइज्ड ग्रांट रीजन फॉर सेविंग आल्सो बी गिवन, दीज रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल टू बोथ पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ द एस्टिमेट। तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी की गई है कि एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट बढ़ने की वजह से आपने ये बताना होता है
फिर अप्रूवल लेनी होती है, और दूसरा ये बताना होता है कि कहाँ से मीट करनी। इसके अलावा अगर आपका रिवाइज एस्टिमेट में आपका जो ग्रांटेड फंड्स हैं उसमें से कम हो जाए, मतलब जो आपका रिवाइज पहले आपने अंदाज़ा लगाया था कि कोई आपका काम 2000 में हो जाएगा, तो अब वो देखते हैं तो 1500 में हो रहा है, तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये आपने बचत कैसे की या इसकी वजह क्या थी। नेक्स्ट सेक्शन 71 आता है, इन फ्रेमिंग द बजट एस्टिमेट्स द एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज शुड एक्सरसाइज द अटमोस्ट फोरसाइट। मतलब जो बजट एस्टिमेट बना रहे हैं वो अपने जो हैं वो चौकन्ना होकर काम करें, अपने आने वाले वाकयात या जो भी इवेंट्स होने लगे हैं उनके बारे में फोरसाइट, मतलब पहले प्लानिंग करें, उसको अंदाज़ा लगाएं, सही लगाएं, टाइम उसको दें और कोशिश करें कि आपके जो एस्टिमेट हों वो ठीक ठीक हों, और जो फ्यूचर में कोई भी चीज़ होने वाली है उसके लिए जो आप फंड मांग रहे हैं वो आपके ना तो बढ़ें ना कम हों, और ना ये हो कि आपको पता ही ना हो कि कोई आने वाले वक्त में कोई आपकी कमिटमेंट होने जा रही है। इसके बाद है, ऑल आइटम्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट कैन बी फोरसीन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एंड केयर शुड बी टेकन इन कंसल्टेशन विद अकाउंटेंट जनरल। तो जो आपने फोरसाइट करना है वो भले रेवेन्यू के रिलेटेड हैं या एक्सपेंडिचर के रिलेटेड हैं, तो आपने उस पर जो है ठीक ठाक कंसल्टेशन करनी होती है, फोरसाइट करना होता है, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अकाउंटेंट जनरल की कंसल्टेशन भी कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। वेयर नेसेसरी टू सी दैट द प्रोविजन इज इंक्लूडेड अंडर प्रॉपर हेड्स। तो फिर क्या है, वेयर नेसेसरी टू सी दैट द प्रोविजन इज इंक्लूडेड अंडर प्रॉपर हेड। तो जो जो हेड होगा, अगर रिसीट्स का हेड है, एक्सपेंडिचर का है, सैलरी का है, या रेवेन्यूज़ का है, कोई भी है, तो आपने उसके हेड में जितने भी आपने इस्टीमेट करने हैं तो उसी के अंदर ही रह के करने हैं, मतलब उसके बारे में आपने टोटल करने होते हैं। नीडलेस टू से अल्दो द इस्टीमेटिंग अथॉरिटीज आर आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर ऑल फोरसीएबल आइटम्स, जो इस्टीमेट लगा रही होती है अथॉरिटीज, उन्होंने क्या करना होता है कि अपने फ्यूचर को फोरसी करना होता है। फाइनेंस डिवीजन विल एक्सरसाइज इट्स राइट टू एक्सरसाइज और रिड्यूस दी प्रोविजन फॉर एनी आइटम विच इट थिंक्स अनजस्टिफाइबल। ये तो जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसका ये काम बनता है फोरसाइट करना। लेकिन जब वो अपने फंड्स की डिमांड पुट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास मैंडेट होता है, फाइनेंस डिवीजन के पास, कि वो उसमें कोई ड्राप कर दे या कोई उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग कर ले। एन एग्जॉर्टेशन टू शो फोरसाइट इज़ नॉट एन इन्विटेशन टू प्रोवाइड फॉर एडिशनल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विदाउट एडिक्यूट जस्टिफिकेशन। तो बात यह है कि आपका फोरसाइट का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आपको लगे कि ये भी हो सकता है वो भी शामिल कर दें, जो इसके भी चांस है वो भी लग उसमें ऐड कर दें, बल्कि आपने ये भी देखना है कि आपने अपने खर्चे कम से कम करने, जो जिसके चांसेस कम हैं उसको आप इंक्लूड ना करें। तो ये नहीं है कि जस्टिफिकेशन आपके पास है नहीं और आइटम सारे ऐड कर दें कि हम ये फोर्स ही कर रहे हैं। वाइल प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट कैन बी फोरसीन, इट इज एसेंशियल दैट द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एब्सोल्यूट मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो आपने अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट को कम से कम रखना होता है। द बजट एस्टिमेट्स ऑफ नॉन डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक डिवेलपमेंट होते हैं, एक नॉन डिवेलपमेंट। नॉन डिवेलपमेंट का मतलब क्या होता है, करंट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर। फॉर एंसुइंग ईयर, यानी एंसुइंग ईयर का क्या मतलब है, आने वाले साल में, शुड बी अकम्पनीड, उसके साथ क्या लगेगा, बाई सच डिटेल्स एज नॉमिनल रोल्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, कैलकुलेशन ऑफ अलाउंसेज एंड एरिया अदर चार्जेस सो एज टू परमिट प्रॉपर स्क्रूटनी। तो आपने जो इस्टीमेट लगाने हैं नॉन डिवेलपमेंट के, तो उसमें आप क्या करें, आप पूरी डिटेल उसमें ऐड करें। फर्ज़ किया आप पे एंड अलाउंसेस का कर रहे हैं, तो जितने आपके पास इस्टेब्लिशमेंट है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स वगैरह की, उनकी साथ शीट अटैच कर दें, वो आपकी डिटेल बन जाएगी कि ये हमारे पास है उनके दिन। और इसके अलावा आपने उनके अलाउंसेस की जो है वो भी कैलकुलेशन करें, और अगर ऑनरेरियम देना है आपने, जो कि साल में एक दफ़ा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होती हैं वो अपने एम्प्लॉज़ को देती हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, एंड अदर चार्जेस सो एज टू परमिट प्रॉपर स्क्रूटनी। तो आप उनको क्या करेंगे, प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद साथ
चीज़ें अटैच करके भेजेंगे. दे शुड फर्दर बी सपोर्टेड बाई कंपेरेटिव स्टेटमेंट इन फॉर्म S02 शोइंग द पोजिशन ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स एक्चुअल्स. तो जो आप ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है वो अवेलेबल होता है मैनुअल के साथ, तो उसके S203 में आपने पिछले 3 साल का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं उस एक स्पेसिफिक हेड में वो भी आपने शो करना है. द सेंक्शन ग्रांट एंड द रिवाइज एस्टिमेट फॉर करंट ईयर एंड प्रपोज बजट एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर. तो आपने क्या करना था, सेंक्शन आपको कितना हुई और आने वाले साल की आपका क्या एस्टिमेट है और करंट ईयर के आपका रिवाइज एस्टिमेट क्या है, तो ये आपने पूरी पूरी स्टेटमेंट देनी थी. देखें एक सिंपल बात है, आने वाला जो साल होगा उसके बारे में हम जो अंदाज़ा लगाएंगे उसको कहेंगे एस्टिमेट. तो उसके अगेंस्ट जब आपको ग्रांट मिलती है तो उस ग्रांट के अगेंस्ट अगर देखते हैं कि आपके फंड्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके बाद दोबारा आप एक स्टेटमेंट पुट करते हैं तो वो होती है रिवाइज्ड एस्टिमेट. और रिवाइज्ड एस्टिमेट हमेशा एक्चुअल यानी करंट ईयर के लिए होता है, फ्यूचर के लिए नहीं होता जो आपका साल चल रहा होता है. सेक्शन 72 है, इन मेकिंग एस्टिमेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट व्हाट आर कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट इन वेरी इररिकवरेबली इररिवोकेबली फिक्स्ड फॉर ऑल आइटम्स एंड शुड बी ब्रॉट अंडर द फॉर्मल क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये इसमें कहा गया कि जो आपके फिक्स टाइप एक्सपेंडिचर हैं उनको हर दफ़ा आपने ये नहीं कहना है बस वो तो लाजिम हो गए, बल्कि आप टाइम टू टाइम उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो क्रिटिकल रिव्यू करे और देखे उसमें कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम समझ रहे थे कि अंडर स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है उसमें कुछ वेरिएशन है तो उसको चेंज करें. इवन वन देयर इज़ नो थाट और इंटेंशन ऑफ मेकिंग एनी चेंज इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अगर आपका ये भी लगता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है जो आपके स्टाफ वगैरह है उसमें कोई चेंज भी नहीं कर रहे तो भी आप उसको रिव्यू ज़रूर करें. इसमें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट शुड रिव्यू द इंटायर एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर डिपार्टमेंट. तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये उसका फर्ज बनता है कि वो जो भी उसकी अपनी इंटायर एस्टिमेट होता है उसको दोबारा एक दफ़ा क्रिटिकली रिव्यू करें. सिमिलरली सैंक्शन टू रेकरिंग कंटीजेंट एक्सपेंडिचर शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर द रिव्यू ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्राम टाइम टू टाइम. तो जो कंटीजेंट बिल्स होते हैं, कंटीजेंट जो अमाउंट्स होती हैं, टाइम टू टाइम आपको ज़रूरी होता है, एमरजेंसी की ज़रूरियात होती हैं आपको मीट करनी होती हैं, वो उसके अगेंस्ट जितने आपके पास फंड होते हैं उनके भी इस्टीमेट को आप टाइम टू टाइम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो रिव्यू करे. इसके बाद सेक्शन 73 है, द फॉलोइंग आर द मेन रूल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड इस्टीमेट. अब जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फंड लेने होते हैं, जो हम इस्टीमेट भेजते हैं उसके अगेंस्ट हमें ग्रांट में पैसे मिलते हैं, तो वो जो आप इस्टीमेट लगा रहे होते हैं बना रहे होते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए, वो उन पे अब हम बात करने लगे हैं. सबसे पहला क्या करना है आपने, द फेडरल बजट इज़ ऑन डिसबर्समेंट बेसिस एंड नॉट ऑन कमिटमेंट बेसिस. ये एक बात समझने वाली है और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट होता है वो डिसबर्समेंट बेसिस पे होता है. मतलब आपके फ़र्ज़ किया आपको 10 लाख पहले मिला हुआ था तो उसमें से जब 9 लाख आपका खर्च हो चुका है या 10 लाख पूरा खर्च हो चुका है, इट्स मीन कि आपने डिसबर्स कर दिया है, तो अब आप मांगेंगे कि हमें मज़ीद 3-4 महीने अभी तक रहते हैं, हमें और फंड चाहिए, इट्स मीन कि डिसबर्समेंट. अब फ़र्ज़ किया आपके आपको मिले थे 10 लाख और अभी 2-3 महीने भी रहते हैं साल के एंड होने में और आपको 4 लाख खर्चा हुआ है, 6-6 लाख की आपकी कमिटमेंट्स हैं या 6 से भी 8 की कमिटमेंट्स हैं लेकिन पेमेंट अभी तक आपने सिर्फ 4 लाख की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें फ़ंड आउट है क्योंकि आपने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की हुई, अभी तक आपके पास पड़े हुए हैं. आपकी कमिटमेंट तो होगी कोई बात नहीं, आपने कमिटमेंट ज़्यादा है लेकिन आपने एक्चुअली पे नहीं किया हुआ. जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद आप दोबारा उसको कंसीडर करवाएंगे कि ये हमारी इतनी पेमेंट होगी और ग्राउंड पे आप हमारे इतने पैसे हैं. सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं चलेगी बल्कि आपने उसकी डिसबर्समेंट की डिटेल की बेसिस पे आपने अपना बजट एस्टिमेट करना था. ओनली प्रोविजन फॉर फॉरेन एक्सचेंज. हाँ, फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो कैश वगैरह आप जो मेंटेन करेंगे, बार्टर्ड कमोडिटी का सिस्टम होगा, तो आपने उसके लिए जो अगर किसी कंट्री के साथ कमिटमेंट की हुई है गवर्नमेंट लेवल पर तो आपने उसको कमिटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं. जबकि फॉरेन एक्सचेंज के अलावा जो आपके लोकल करेंसी में काम हो रहा है
उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि कमिटमेंट को आप कंसीडर कर लें। द एस्टिमेट शुड देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। तो इसलिए आपको सिर्फ वो कंसीडर करना होता है जो एक्चुअली रिसीव हुआ है या एक्चुअली पे हुआ है अंडर प्रॉपर सैंक्शन ड्यूरिंग द एंसुइंग ईयर, आने वाले साल में, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ प्रीवियस ईयर्स एंड नॉट मेयरली द डिमांड्स और द लाइबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉलन ड्यू विद इन द ईयर। तो सिर्फ जो आपकी लाइबिलिटी बनने लगी है वो उसको आप सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड नहीं कर सकते, बल्कि आपकी जो एक्चुअल पेमेंट्स है उसी को ही आप कंसिडर करेंगे। इसके बाद है द ट्रांजेक्शन आर टू बी शोन ग्रॉस एंड इन फुल इवन वेयर द रिसीट्स एंड वेयर द रिसीट्स आर ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर। तो आपने सारी की सारी डिटेल बतानी होती है, आपने नेट फिगर्स नहीं बनाने होते बल्कि ग्रॉस में आप सारी अमाउंट बताते हैं कि इतने हमारे रेवेन्यूज हैं उसमें इतने डिडक्शन हो जाएंगे, हमारे नेट रेवेन्यूज इतने बन जाएंगे या हमें इतने मजीद चाहिए। तो इस तरह का जो एस्टिमेट होगा आपने शॉर्टकट लगा के नहीं करना, इसमें लास्ट वाली बात यही की गई है यहाँ पे, इन नो केस द नेट रिसीट्स और द नेट चार्जेस ओनली आर टू बी एंटर्ड, कि नेट चार्जेस या नेट रिसीट्स आपने सिर्फ कभी भी इस तरीके से एंटर नहीं करनी होती बल्कि डिटेल के साथ ऐड करनी होती है। सेकेंड है जो पॉइंट जो हमें कंसिडर करना होता है, द बजट एस्टिमेट्स शुड ओनली इंक्लूड आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बिन क्लियर्ड विद फाइनेंस डिवीजन। तो बजट एस्टिमेट में आपने वो आइटम ऐड करने होते हैं जो फाइनेंस डिवीजन ने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं, जो आपको ऑथोराइज्ड हैं। एनी आइटम विच इज़ अपीयरिंग इन पार्ट वन एस्टिमेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी सपोर्टेड बाई कापी ऑफ द सेंक्शन ऑथोराइजिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परमानेंट बेसिस। जो आपके पार्ट वन में है स्टैंडिंग हैं तो उनकी जो सेंक्शन की अप्रूवल है, जो आपको पार्ट वन एस्टिमेट का कौन सा होता है, जो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं फिक्स टाइप होते हैं, तो उसके लिए भी आपने जो आपकी अप्रूवल होगी वो आपने साथ लगानी होगी। और जो परमानेंट बेसिस पे आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, और जब फ्रेश आइटम की बात की जाए, फ्रेश आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैव बिन प्रीवियसली एग्रीड बाय द फाइनेंस डिवीजन शुड बी इंक्लूडेड ओनली थ्रू पार्ट टू एस्टिमेट्स। जो आपके फ्रेश आइटम होंगे, न्यू आइटम्स, वो आपने पार्ट टू में ऐड करने होते हैं जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो फाइनेंस डिवीजन है उसने अप्रूवल भी दी हो, तो आपने उसको जो एस्टिमेट का पार्ट टू है उसमें आप शामिल करेंगे, क्योंकि ये आपका फ्रेश आइटम है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर पोस्ट। जब आपके पास जितनी स्ट्रेंथ होती है स्टाफ की, ऑफिसर्स की, तो उस पे आपने क्या क्या चीज़ कंसीडर करनी होती है उस पे बात करते हैं। प्रोविजन फॉर पोस्ट सेंक्शन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड शुड इफ देयर कंटिन्यूस बी कंसिडर नेसेसरी बी मेड थ्रू पार्ट टू एस्टिमेट। आपके पास कोई, आपने ऑफिसर्स को या अपने स्टाफ को कुछ रखा था कुछ अरसे के लिए, और आपको लग रहा है कि अब मज़ीद भी कुछ अरसा आपको रखना पड़ेगा, तो आप उसको पार्ट टू के एस्टिमेट में ऐड करेंगे। इन सच केस जस्टिफिकेशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न बिफोर द सबमिशन ऑफ बजट एस्टिमेट। तो ये केस हो अगर आपके पास जो आपने रिक्रूट किए हुए हैं, जो रखे हुए हैं स्टाफ वगैरह को, उसके जो एक्सपेंडिचर हैं, वो केस को फॉरवर्ड करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंकरेंस लेंगे, एडवाइस ले लेंगे और उससे अप्रूवल ले लेंगे। तीसरा पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना होता है, द एस्टिमेट्स प्रपोज्ड अंडर द प्राइमरी यूनिट्स पे ऑफ ऑफिसर्स एंड पे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट शुड बी अकंपनीड बाय द डिटेल्ड नॉमिनल रोल्स इन फॉर्म GFR 1। तो जो आपके स्ट्रेंथ पे ऑफिसर्स हैं, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग हैं मुख्तलिफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि जो आपने डिपार्टमेंट बनाई है उसकी कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, किसमें कितने ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो उस इस्टेब्लिशमेंट का एक फॉर्म जो है GFR 1 में अवेलेबल है, वो फॉर्म आपने लगा के उसमें डिटेल ऐड करनी होती उसी पैटर्न पर। नेक्स्ट
जो आपने पॉइंट माइंड में रखना होगा, द एस्टिमेट शुड फर्दर शो द चार्ज एंड अदर दैन चार्ज पोर्शन ऑफ द प्रोविजन अंडर द रेलेवेंट प्राइमरी यूनिट सेपरेटली। मतलब ये कि किसी भी हेड पे बात कर रहे हैं तो आपका आपने ये भी डिटेल बतानी है कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज है या अदर दैन चार्ज एक्सपेंडिचर है। तो इसी हेड को फर्दर आगे तीन इसके पॉइंट्स हैं, इन फ्रेमिंग एस्टिमेट्स फॉर द सैंक्शन इस्टेब्लिशमेंट वेदर परमानेंट और टेम्प्रेरी। जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे स्टाफ है और वो परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, उसके लिए क्या करना है, द फुल अमाउंट ऑफ पे एंड इंक्रीमेंट्स आल्सो द फुल अमाउंट ऑफ पे एंड इंक्रीमेंट्स लाइकली टू बी ड्रॉन बाय ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द ईयर शुड बी इंक्लूडेड। तो जितने आपके ऑफिसर्स या स्टाफ है ड्यूटी पे है तो आपने उनको इंक्लूड करना है कि कौन कौन से उनके एक्सपेंडिचर आपने शामिल करने हैं। सूटेबल प्रोविजन फॉर लीव सैलरी शुड बी मेड बोथ फॉर ऑफिसर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो जो लीव पे होंगे ऑफिसर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट का स्टाफ वगैरह, तो आपने उसको कंसिडर करना, लीव को कंसिडर करना होगा कि कितने उनकी लीव है। लीव कि जितनी डिडक्शन वगैरह होंगी उसको माइनस करने के बाद आप उसको नेट करेंगे। द बेसिस ऑफ पास्ट एक्चुअल्स विद ड्यू रिगार्ड टू एनी नोन फैक्टर्स विच मे इफेक्ट द पास्ट एक्चुअल। तो आपने ये डिटेल कहाँ से आप मैच करवा सकते हैं कि पास्ट में इसके साथ क्या हुआ था और पास्ट की एक्चुअल फिगर्स क्या थी, और आपकी अगर लीव कोई ज़्यादा अवेल करने जा रहा है तो उसकी साथ डिटेल आप ऐड कर देंगे। इसके बाद नो प्रोविजन ऑफ लीव सैलरी शुड बी मेड फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ दोज कैडर्स फॉर विच लीव रिजर्व हैज़ बिन प्रोवाइडेड। जिन कैडर्स में लीव रिजर्व करने का राइट दिया गया है तो उनका आपने लीव का अलग से एस्टिमेट नहीं करना होगा। प्रोविजन फॉर दोज हु आर ऑन डेपुटेशन और अदरवाइज एबसेंट एंड लाइकली टू रिटर्न टू द स्ट्रेंथ विद इन द पीरियड ऑफ द बजट शुड बी एक्सक्लूडेड। जो लोग आपके एबसेंट हैं, छुट्टी लिए बगैर चले जाएँ, या फिर कोई डेपुटेशन पे आपके लोग अवेलेबल हों, तो आपने क्या करना है, उनको शामिल नहीं करना है। बट द नेम्स ऑफ द पर्सनल ऑन डेपुटेशन शुड बी शोन इन द नॉमिनल रोल। तो जो नॉमिनल रोल आप भेजेंगे साथ, उसमें आप लिखेंगे कि ऑन डेपुटेशन, तो वो आप ज़रूर बताएंगे, लेकिन उनकी सैलरी वगैरह का एस्टिमेट आप नहीं लगाएंगे। ए लंप डिडक्शन शुड बी मेड वेयर एक्सपीरियंस शोज दैट इज द सेविंग मे अकर बाई रीजन ऑफ पोस्ट रिमेनिंग वैकेंट फॉर अदर रीजन्स। तो अगर आपको लगता है कि जो आपकी पोस्ट खाली हैं लेकिन आपने उनके लिए ग्रांट ली हुई है तो आपकी सेविंग हो जाएगी, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी इसकी एक्सपेक्टेड सेविंग लास्ट में हुई थी और अब कितनी है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट में आया, व्हेन कंसोलिडेटिंग द डिटेल्ड एस्टिमेट इन रेस्पेक्ट ऑफ पे ऑफ ऑफिसर्स एंड पे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट the number of posts must be carefully checked and in case of variation in the number of amounts of the provisions compared to those in the current year's budget an explanation should be included in the estimate. agar ki aapki variation hai, apne nominal role to sath har dafa attach karni hai, bade aur dhyan se dekhna hai ki kitni posts hain, kitne logon ki aap tankhai bana ke ja rahe hain, agar kahin pe aapki variation aa jaye to aapne uski detail deni hogi ki aapki induction jaldi ho gayi ya isme jo aapne saving ki estimate lagaya tha वो नहीं हो सका, तो उसकी वजह क्या थी। इफ़ द इंक्रीज इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक गवर्नमेंट सेंक्शन ए कापी ऑफ द सेंक्शन शुड बी इनक्लोज विद द एस्टिमेट्स। अगर आप कोई गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ा देती है, उसके लिए बजट गवर्नमेंट सेंक्शन देती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपने वेरिएशन की वजह के साथ सेंक्शन लगा देनी होती है कि ये गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से हमारी जो है पे एंड अलाउंसेस की अमाउंट के खर्चे बढ़ गए। तीसरा पॉइंट है, द प्रोविजन शुड नॉट बी मेड इन द एस्टिमेट फॉर पोस्ट विच इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू लीव अनफिल्ड। अगर कोई ऐसी वैकेंसीज हैं, सीटें हैं जिनका डिसीजन हो चुका है कि उनको अनफिल्ड रखना है, तो उसके लिए एस्टिमेट आप ना इंक्लूड करें। इसके बाद है, इफ़ इट इज़ डिजायर्ड टू रिवाइव एनी ऑफ दीज पोस्ट विच हैज़ रिमेंड वेकेंट फॉर मोर देन वन ईयर prior concurrence of the finance division should be obtained before including any provision in the estimate account. हाँ, अगर आपका मामला unfilled का पहले decision हो चुका था लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपने कोई
उसको फिल करना है वैकेंसी को, तो उस पे आप बजट एस्टिमेट लगाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सैंक्शन ले लेंगे। इन सच केसेस द रेलिवेंट एस्टेब्लिशमेंट शुड बी अकॉम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ द सैंक्शन। तो इस तरह का जो आप एस्टिमेट भेजेंगे उसके साथ आपने सैंक्शन की जो अप्रूवल होगी वो एक कॉपी अटैच करेंगे। फॉर ऑल फिक्स्ड रिकवरीज एंड फिक्स्ड पेमेंट्स अदर दैन एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस एंड ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द सैंक्शन फिक्सिंग द अमाउंट शुड बी इनक्लोज। अगर आपकी फिक्स्ड पेमेंट है या फिक्स्ड रिकवरी है तो और ये इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के अलावा हैं, तो फिर आपने उसकी एक जो सैंक्शन की अप्रूवल है, फिक्सेशन की जो अमाउंट वाली अप्रूवल की जो कॉपी है वो आपने साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो छठा है जो हमने कंसीडर करना है एस्टिमेट बनाते हुए, अपोजिट एवरी आइटम ऑफ फ्लक्चुएटिंग चार्जेस सच एज ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कंटिजेंट चार्जेस, ऑफिशियल पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस। तो ये जो हैं एक्सपेंडिचर जो आपके चेंज होते रहते हैं, जिनमें ट्रैवलिंग अलाउंस है, कंटिजेंट है, या चार्जेस ऑफिशियल पोस्टेज है, या टेलीफोन चार्जेस हैं, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन द लास्ट ईयर शुड बी शोन इन द रेड इंक। ठीक है जी, आपने द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन द लास्ट थ्री ईयर्स शुड बी शोन इन द रेड इंक इफ़ एस्टिमेट्स ऑफ दीज चार्जेस, जो यानी कि आपके करंट ईयर नए जो चार्जेस हैं, फॉर द इंसुइंग ईयर्स डिफर टू एनी अप्रिसिएबल डिग्री फ्राम द एक्चुअल ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरिएशन शुड बी गिवन। अब फर्ज किया पहले आपका 100,000 पोस्टेज स्टैम्प और इस तरह के जो चार्जेस में हो रहा था, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में, जो पिछले 3 साल गुजर चुके उनको आप रेड में शो करेंगे। और अब आपको अगर 100,000 चाहिए तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं 150,000 आपको एंसुइंग आने वाले साल के लिए चाहिए, तो आप उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन देंगे। अगर नॉर्मल रूटीन पे है जो पिछले सालों में चल रहा था, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नोट है, the estimates of the contingent charges should be carefully checked by the controlling officer by comparison with the past actuals. In the case of a contract contingent charges, only the sanction amount of the contract grant should be included. अगर आप contingent charges के estimate करते हैं तो आप पिछले 3 साल का actual को भी देख लें। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अगेंस्ट जितनी आप पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को तो कंसीडर करें, इंक्लूड करें, अदरवाइज़ कमिटमेंट को आप नहीं करेंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो आपका हमारा फेडरल गवर्नमेंट का बजट होता है ये कमिटमेंट बेसिस पे नहीं बल्कि डिसबर्समेंट बेसिस पे होता है। 7वां पॉइंट जो हमने माइंड में रखना है जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, द प्रोविजन फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ऑनरेरिया अंडर द प्राइमरी यूनिट अलाउंसेज ऑनरेरिया एटसेट्रा शुड बी शोन डिस्टिंक्टली एंड सेपरेट फ्राम अदर अलाउंसेज। तो आपने ऑनरेरियम या जो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस हैं उनको दूसरे अलाउंसेज से हट के शो करने होते हैं, और आपने बताना होता है कि ये इसकी सैंक्शन वगैरह अप्रूवल के हवाले से सबूत देना होता है साथ में। इसके अलावा 7वां पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, द एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड वेरिंग चार्जेस शुड नॉट बी मेयरली ऑन अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फिगर, द एवरेज इज गाइड बट इट शुड नॉट बी टेकन एब्सोल्युटली। तो आपके जो गुज़श्ता 3 साल के अखराज हैं जो वेरिंग डिग्रीज के साथ एस्टिमेट आते हैं, आप उसको सिर्फ एवरेज ना करें, पिछले 3 सालों की एवरेज कर लें और अपना जो लिख दें उस एवरेज को, ये मेयर ना एक प्रैक्टिस करें, बल्कि एवरेज ज़रूर करें लेकिन सिर्फ अंदाजे के लिए, डायरेक्शन के लिए, लेकिन आप एक्चुअली भी वर्किंग करें ज़रूर। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है हमारा अंडर रेवेन्यू। रेवेन्यू की जब बात करें, द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू इज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड्स। तो जो गवर्नमेंट के वो इदारे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कितनी डिमांड पुट करती है कि आपने इतने रेवेन्यू जनरेट करने हैं, तो उसको आपने जो गवर्नमेंट आपको डिमांड करेगी उसको आपने कंसिडर करना होगा, इंक्लूडिंग एरियर्स। अगर आपने पिछली कोई रेवेन्यू जो आपने कलेक्ट करना था नहीं कर सके, एरियर में चला गया, उसको भी आप शामिल करेंगे, इफ़ एनी एंड लाइकलीहुड ऑफ द रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर। और आपको वो चांस भी लगता है कि जो आपके एरियर रह गए थे अब इस करंट ईयर में वो अराइज हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। द एरियर्स एंड करंट डिमांड आर हाउ एवर टू बी शोन सेपरेटली। हाँ, गवर्नमेंट
ये अलग से बताएगी कि आपके ये एरियर में है और करंट ईयर के लिए आपने इतने रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं, तो उनको अलग अलग से शो किया जाएगा। द एस्टिमेट्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू मे बी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो जो आपके फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यूज हैं, कभी अमाउंट कुछ होती है कभी कुछ होती है, तो आप पिछले 3 साल की एवरेज भी कर सकते हैं, अनलेस देयर आर एनी नॉन सर्कमस्टेंसेस टू अफेक्ट दीज एक्चुअल वन वे और अदर। हाँ, अगर ये जो आपके पिछले 3 साल के जो एक्चुअल हुए थे उसमें कोई खास वेरिएशन थी तो उसको इग्नोर करना होगा, या जो आने वाला अब का पीरियड है उसमें आप देखते हैं कि कोई वेरिएशन होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है अपना एस्टिमेट। एवरी डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड फॉर होल रिसीट एंड चार्ज विद विच इट डील्स फाइनली। तो हर जो डिपार्टमेंट है उसने अपने जो रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, उनका एस्टिमेट करेगी और फाइनल फिगर बताएगी कि इसके ये हैं। दस वैन पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सिविल वर्क। अगर यहाँ पे मिसाल देगी कि अगर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसको ये कहा जाए कि आपने सिविल वर्क के जो रेवेन्यूज हैं वो भी कलेक्ट करने, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई कर लेना एज अकॉर्डिंगली अपने जो रेवेन्यू रिसीट्स की अमाउंट है वो अकॉर्डिंगली एस्टिमेट चेंज कर लेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है, लम सम प्रोविजन इन द बजट शुड नॉट बी मेड और प्रपोज एक्सेप्ट इन मोस्ट एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस। तो आपने क्या करना होता है, लम सम प्रोविजन आपने टोटल नहीं बतानी होती कि ये हमारे मिनिस्ट्री है इसको 25 करोड़ चाहिए, तो 25 करोड़ की ब्रेकडाउन बताएं, आगे जस्टिफिकेशन बताएं। इसी तरीके से एक रेवेन्यू है, एक एक्सपेंडिचर है, तो उनको आप सम अप ना बताएं कि हमारे इतने रेवेन्यू आएंगे उतने एक्सपेंडिचर हो जाएंगे तो हमें नेट इतने चाहिए, बल्कि आप अपनी डिटेल में अपनी वर्किंग करने के बाद वो प्रोवाइड करेंगे, विच शुड बी इन वेरिएबली रिकॉर्डेड, और आपने ये रिकॉर्ड के तौर पर पेश करना होता है। एज़ फार एज पॉसिबल प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंट चार्जेज अंडर द प्राइमरी यूनिट अदर चार्जेज शुड बी प्रपोज अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब डिटेल हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर सो दैट द नंबर ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंस डिवीजन इज रिड्यूस टू इट टू मिनिमम। तो आपने जितने भी आपके डिटेल्ड हैं जो एज़ फार जितना मुमकिन हो सकता है कॉन्टीजेंट चार्जेज हैं जो प्राइमरी नोयत के हैं, जो के अदर चार्जेस बी प्रपोज अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब डिटेल हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपके एक्सपेंडिचर के हेड्स हैं हर एक को हेड वाइज आप शो करें और उसके साथ डिटेल अपेंड करें, ताकि जो फाइनेंस डिवीजन है उसको मजीद रेफरेंसेस में वो उलझ ना जाए कि आपने रेफरेंसेस लगातार रेफरेंस 1, 2, 3, 4 और 50 तक दे दिए और हेड मुख्तलिफ हैं और वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते हुए पतल ना होते रहें, बल्कि जिस हेड में जो चीज़ आप बताएं उसका रेफरेंस भी उसके साथ अटैच कर दें, ताकि उनको जो है रेफ़र करने के लिए आपकी डिटेल जो अटैच करेंगे वो आसानी से उसको कवर कर सके। पॉइंट नंबर 12 है, प्रोविजन फॉर लॉसेस शुड नॉट बी मेड इन द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट। तो आपके जो लॉस होने के चांसेस हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर लॉस होता रहता है, उनकी नेचर ऐसी होती है और नेचर ऑफ ऑपरेशंस के लॉस होना नॉर्मल है, तो वो एक्सपेंडिचर में उसको शो नहीं करेंगे। इफ़ हाउ एवर द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट इज सच दैट सम लॉसेज मस्ट बी रिकॉर्डेड एज इनएविटेबल एवरी ईयर प्रोविजन इन दिस बिहाफ मे बी मेड विद द स्पेसिफिक सेंक्शन ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो हैं उनको फिर अपनी अप्रूवल लेना पड़ती है कि हमारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बचा नहीं जा सकता, तो वो फाइनेंस डिवीजन से उसकी अप्रूवल ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 है, एस्टिमेट्स ऑफ एंटिसिपेटेड रेवेन्यू बोथ फॉर करंट एंड सबसिक्वेंट ईयर विल बी प्रिपेयर्ड बाई ईच मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट एंड रेंडर्ड टू द अकाउंटेंट जनरल ऑन डेट्स टू बी प्रिस्क्राइब बाई द हिम। जो अकाउंटेंट जनरल बताएगा हर मिनिस्ट्री अपने रेवेन्यूज और जो रेवेन्यूज़ के एंटिसिपेटेड अमाउंट है, करंट जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो बताएंगे कि हमारी इतनी है। एस्टिमेट्स ऑफ एंटिसिपेटेड रेवेन्यू बोथ फॉर करंट एंड सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब अब के साल के लिए भी जो चल रहा है और आने वाला जो आपका साल होगा उसके लिए भी आपने सारा बताना है कि आपके एंटिसिपेटेड रेवेन्यू इतने जनरेट होंगे, और उस एस्टिमेट के लिए अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेट स्पेसिफाई कर सकता है कि आपने इतनी हमें सबूत देने। इसके अलावा
पार्ट वन ऑफ द बजट विच रिलेट्स टू द स्टैंडिंग चार्जेज, ये बात याद रखने वाली है कि जो पार्ट वन है बजट एस्टिमेट्स वाला, ये किस से रिलेट करता है, ये स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। और पार्ट टू किसके साथ है, पार्ट टू एस्टिमेट्स रिलेटिंग टू फ्रेश चार्जेस शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड फाइनली बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे आप कंसर्न जो उसकी अप्रूवल लेंगे। ही वुड इशू टू द AGPR बजट विंग ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, वो इस तरह की पूरी लिस्ट जो पार्ट वन और टू की है वो एडमिट करने के बाद किसको भेजेगा, AGPR को और बजट विंग को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। ऑफ द बजट ऑर्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्ट वन एस्टिमेट्स एंड न्यू आइटम स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्ट टू, ताकि वो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो बजट विंग है फाइनेंस डिवीजन का, तो वो अपने अंदाजे लगा सके कि पार्ट वन और पार्ट टू में हमें कितने एस्टिमेट्स कलेक्ट अब तक हुए हैं। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आप अपने स्टेट भेजेंगे। द एडमिटेड पार्ट वन एंड टू, एडमिटेड का मतलब है जो आपने फाइनेंशियल मिनिस्टर, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर था मिनिस्ट्री का, उसके पास ले गए उसको दिखाने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, तो उसने एडमिट कर लिया कि ये आपकी बात ठीक है, आपने सी कैलकुलेशन की है। एस्टिमेट्स वुड बी कंपाइल्ड टुगेदर इन टू ए रेलिवेंट डिमांड, तो फिर जो एक तरह के एस्टिमेट्स होंगे उनको आप कंबाइन कर लेंगे ताकि आप एक ग्रांट के लिए डिमांड बना सकें। फॉर ग्रांट बाय द फाइनेंस डिवीजन एंड अकाउंट ऑफिसर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिवीजन एंड सेंट थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर टू द बजट विंग ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, तो ये जो आपकी डिमांड होगी, डिमांड क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ग्रांट मिल सके। ग्रांट क्या होती है, आपको लमसम अमाउंट दी जाती है, किस लिए दी जाती है, ताकि आप अपनी मिनिस्ट्री के खर्चे कर सकें। आपको कितने चाहिए होते हैं वो हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट कैसे करते हैं, वो हमने तरीकाकार पिछले ये 12 पॉइंट्स 13 पॉइंट पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे आपने एस्टिमेट किए होते हैं। तो अगर एस्टिमेट आपके गलत हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने रिवाइज एस्टिमेट आपने बना के भेजना होता है। और वो एक्सेप्ट हो जाता है नहीं, उसके लिए आपको डिटेल देना पड़ती है। अच्छा, वो किस तरह से हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके जो बचे हुए फंड हैं आपके किसी और हेड में जो आपको पहले से मिल चुकी हैं ग्रांट, तो उसमें से मीट करें, उसको क्या कहते हैं, रीअप्रोप्रिएशन। अगर उसमें आपकी गुंजाइश नहीं है, आप वहाँ से मीट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप एक सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉरवर्ड करेंगे, उसका तरीकाकार भी हम पढ़ेंगे। तो कहाँ पे भेजेंगे, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडमिशन यानी कि उसके ओके करने के बाद और उसके थ्रू जो है भेजेंगे, किसको भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फाइनेंस डिवीजन की तरफ। थैंक्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़।